दुनिया को शांति चाहिए तो मगही के शरण में आना होगा। मैं कहता हूं अमेरिका को मगही बुलवाओ, वो भी अंग्रेजी पढ़ेगा, अंग्रेजी संस्कार से ओतप्रोत हो ही जाएगा। तो अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं। भारतीयों को अंग्रेजी एकदम नहीं पढ़ना चाहिए। ये तानाशाह का भाषा है अंग्रेजी, हिटलर का। हाँ, ये इसमें भक्ति है या नहीं है? मैं गुजराती बर्दाश्त कर लूंगा, मराठी बर्दाश्त कर लूंगा, उड़िया बर्दाश्त कर लूंगा, अंग्रेजी नहीं। अपने अपने राज्य अपने अपने भाषा में काम करें, जब दिल्ली से जुड़े तो हिंदी में। अभी गलत काम किया मोदी जी, लोकसभा में अपने अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोल दिया, खराब बात है की खराब बात नहीं है? आज भी तुम गुलाम है, लोकसभा में अंग्रेजी बोलने वाले सांसद है, मोदी उनको कान पकड़ के निकाल दो। आय की कह लो तू, मास्टर आर्ट इन एजुकेशन कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय से। कि अगर दुनिया को शांति चाहिए तो मगही के शरण में आना होगा। हम उनसे ज्यादा विद्वान नहीं हैं। बिजनेस व्यापार कैसे करेगा देश भारत दूसरा देश से? काहे ले करेगा? कोरोना लावे ले, कोरोना लावे ले हम विदेश जाएंगे? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी तीनों मिलकर के चीन के धरती पर कोरोना धैले है, विश्व युद्ध की स्थिति में है। नारी को छूट दिया जाए तो ये अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजनी हो जाएगी। नारी को जो आरक्षण मिला है 33% सदन में, वो सही है कि नहीं? नहीं, नहीं सही। नहीं, क्यों नहीं सही है? उनको बच्चों को घर में संस्कार देना चाहिए ताकि वो भविष्य में यूरोप महादेश से लड़ सके। नाम क्या हुआ? दिवाकर कुमार। क्या दिक्कत हो गया आपको बताइए? हम तो कहते हैं कि ऐसा IAS पैदा काहे करते हो जो माँ और माई के बीच में झगड़ा नहीं सुलझा सकता है, जहर खा लेता है। यानी कि नारी को जो आरक्षण मिला है 33% सदन में, वो सही है कि नहीं? नहीं, नहीं सही। नहीं, क्यों नहीं सही है? उनको बच्चों को घर में संस्कार देना चाहिए ताकि वो भविष्य में यूरोप महादेश से लड़ सके। अच्छा, नारी सिर्फ घर में बच्चा पैदा करने के लिए, रोटी चूल्हा चौकी करने के लिए पैदा लिए, या फिर सरहद पे भी जाने के लिए पैदा हुई है नारी? इनको अगर नारी को छूट दिया जाए तो ये अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजनी हो जाएगी। और पति को जैसे यीशु मसीह टंगाए, ये कैसे बोल रहे हैं? ये अतार्किक बात है, इसमें कोई दम नहीं है। जो भी अंग्रेजी पढ़ेगा अंग्रेजी संस्कार से ओतप्रोत हो ही जाएगा। तो अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं। भारतीयों को अंग्रेजी एकदम नहीं पढ़ना चाहिए। हम तो कहते हैं एशिया महादेश से अंग्रेजी को निकालो। दूसरी बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि अगर दुनिया को शांति चाहिए तो मगही के शरण में आना होगा। मैं कहता हूँ अमेरिका को मगही बुलवाओ, अमेरिका को मगही, हाँ, तभी दुनिया शांत होगी। हम नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं, पहला राष्ट्रपति, तभी दुनिया शांत होगी। अंग्रेजी इसलिए रखा गया कि ये जो है सरल भाषा है, सारा देश बोलता है, पूरा विश्व बोलता है। ये तानाशाह का भाषा है अंग्रेजी, हिटलर का। हाँ, ये इसमें भक्ति है या नहीं है? अंग्रेजी तो बिजनेस व्यापार कैसे करेगा देश भारत दूसरा देश से? काहे ले करेगा? कोरोना लावे ले, कोरोना लावे ले हम विदेश जाएंगे? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी तीनों मिलकर के चीन के धरती पर कोरोना धैले है, विश्व युद्ध की स्थिति में है। अरे एको को बचेगा? समुचा बड़का जो बेईमान है, कुल स्विट्जरलैंड बैंक में रुपया जमा कैले है ताकि चांद पर जाए और धरती वालों को कोरोना धरा के मार दे, यही राजनीति है। यानी कि आपको महिलाओं को आरक्षण दिया उसका आप विरोध कर रहे हैं? हमारे बच्चों का संस्कार नहीं मिल पाएगा? कैसे नहीं मिल पाएगा? वह उस संसद देखेगी, लोकसभा देखेगी कि यहाँ पर बच्चा देखेगी? तो बच्चा देखना कायम सिर्फ महिलाओं का है कि पुरुषों का भी है? नहीं, जितना ममता महिलाओं के अंदर है पुरुषों के अंदर नहीं हो सकता। यानी सिर्फ महिला जन्म ली है चूल्हा चौकी करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, महिला को ना अधिकार है अपना जीवन जीने का? अपना संस्कार अपने बेटा में देने के लिए पैदा हुई है माता, वो संसद और लोकसभा चलाने के लिए नहीं। संसद लोकसभा चलाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगा? उसके बेटा को कौन संस्कार देगा? आप दीजिएगा, पिता देगा, पिता देगा, पिता अपना संस्कार क्यों? उसमें ममता है ये नहीं है, पिता का कर्तव्य वो सिखाएगा, ममता आप करुणा वो नहीं दे सकता है। एक चीज दिक्कत हो गया और दूसरा चीज है अंग्रेजी से आपको। हाँ, अंग्रेजी तो हम नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे हैं कि अगर दुनिया को शांति चाहिए
तो मगही के शरण में आना होगा, हम उनसे ज्यादा विद्वान नहीं हैं। तो मगही तो महात्मा बुद्ध के समय भाषा ये बोली जाती थी मगही। हाँ, तो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे सात समुद्र पार तक मगही में शासन करता था, फिर से अगर हम मगही अपना लें तो सात समुद्र पार तक शासन आज भी करेंगे। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि अरे मोदिया दमाद हलो अमेरिका, हमरा के चेहरवा अच्छा नहीं लगो हो जब बोले ली ओकरा देखे ले, हम वोटवा दिलिये, हम तोरा अच्छा नहीं लगो हिये, अमेरिका से आदमी बोले लो देखे ले। कौची देखे बोले ले? चेहरा जॉर्डन मिले ले, मतलब समझालिए नहीं तुसकी सब देखा व्यवहार मत की। अब कहाँ बात कर रहे हैं हम? जी ठीक है बोल रहे हैं। अच्छा दमाद का, दमाद शब्द क्या होता है? काहेल बोले लो, हमरा को उतना सुथर नहीं हलिए, ढंग नहीं है बोलने। जे बोठवा दे, बिजनेस होबा है ना कुछ, समझो बिजनेस कोरोना मांगा। कितना पढ़ाई कर लो तू? कितना पढ़ाई कर लो? कौची अमेरिका देते बारूद? पढ़ाई की कर लो तू? मास्टर आर्ट इन एजुकेशन। कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय से खुला, नालंदा विश्वविद्यालय पटना। अंग्रेजी हटाबेल को होते एजुकेशन किसे बोले? एजुकेशन कैसे बोल देलो? ये जब पूछल खिन उनको जवाब, अंग्रेजी तो सबसे बड़ी बड़का विरोधी तू है, ला समर्थन भी तू। अब ओकर हिंदी होइए नहीं सको है, वो विषया के नामे तो धर देलो है। तमिलनाडु जाइएगा बुझेगा, हिंदी आप बोल सकते हैं? प्लेटफार्म के हिंदी आप बोल सकते हैं? तो जैसे आप प्लेटफार्म के हिंदी नहीं बोल सकते हैं, वैसे मास्टर आर्ट इन एजुकेशन का हिंदी नहीं बोला जा सकता है। मतलब कुछ भी बोल दीजिएगा, कुछ भी, गद्दार है मोदी कहीं। मोदी? हाँ, मोदी जी का विरोध सही है, अंग्रेजी में बोलता है होना चाहिए। जो भी लोकसभा में अंग्रेजी बोलने वाले सांसद हैं, मोदी उनको कान पकड़ के निकाल दो। नहीं, विरोध करना अपना सही बात है, विरोध करना चाहिए हर चीज का, पर तरीका होता है विरोध करने का। उनके अच्छे कामों का समर्थन करूंगा, लेकिन गलत कामों का समर्थन कभी नहीं। गलत काम किया मोदी जी? लोकसभा में अपने अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोल दिया तो खराब बात है की? खराब बात नहीं है, आज भी तुम गुलाम है। कहाँ से ज्ञान लाए जो अंग्रेजी बोलता है? अरे मैं गुजराती बर्दाश्त कर लूंगा, मराठी बर्दाश्त कर लूंगा, उड़िया बर्दाश्त कर लूंगा, अंग्रेजी नहीं। अभी तो कह रहे थे कि मगही बोलना चाहिए। हाँ, आप अपना एक बात पर कायम नहीं रहते। हाँ, अपने अपने राज्य हमेशा पलटते रहते नीतीश कुमार की तरह। अपने अपने राज्य अपने अपने भाषा में काम करें, जब दिल्ली से जुड़े तो हिंदी में। मतलब अपने अपने राज्य में अपने अपने भाषा में करेगा, तब दोस्त लोग इधर से आदान प्रदान कैसे होगा? विश्व से संबंध तोड़ देना है। हाँ, कहे कि कोरोना हमको नहीं धरवाना है। चलिए, आप लगता है सही। यूरोप महादेश प्यार करने जानता ही नहीं, सिर्फ वो नफरत जानता है, और जो नफरत जानता है उससे हम प्यार नहीं करेंगे। चलिए चलिए, तो ये चीज़ों को समझते नहीं है, फिलहाल जबरदस्ती बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद।